इस हाँ प्रोबेबिलिटी में जो सैंपल स्पेस रहती है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि हमें कंडीशन दी जाती है कि अगर मतलब एग्जांपल है सम दिया है प्रोबेबिलिटी का 8 है, लेकिन वो डिफरेंट डाइसेस पे डिफरेंट नंबर आने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है हमको, वो इसलिए हाँ सैंपल कम रहते हैं। वो डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है उसका कि मतलब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, मतलब जिसका हाँ निकालना है ए का निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए डिफाइन करते हैं और बी भी डिफाइन करते हैं। हाँ बी एग्जैक्ट इफ ठीक दैट इफ मतलब इफ दैट गिवन मतलब वैसे रहते हैं ना, उसके बाद वाले सेंटेंस का मतलब वो बी बी में डिफाइन करते हैं हम, और उसका अलग प्रोबेबिलिटी और ए का अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के जो हमें निकालना है वो कैलकुलेट करते हैं। देखो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, एक कंडीशन ऑलरेडी गिवन होता है और वो पता कैसे चलेगा, आपको ये कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं वहां पे, लाइक इफ हो गया, गिवन दैट हो गया, या फिर सच दैट, यानी ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। लाइक इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन कंडीशन इज दिस, कि दोनों डाइसेस डिफरेंट नंबर्स को शो करते हैं, ठीक है। जबकि जो जनरल क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन इज इक्वल टू 8, केवल इतना ही क्वेश्चन है, इफ गिवन दैट सच दैट, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसमें सैंपल स्पेस में जो टोटल आउटकम्स हैं दे आर, सिक्स तो यही तो होता सिक्स है प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल अपॉन टोटल। लेकिन यहाँ पे सैंपल स्पेस में जो टोटल आउटकम्स हैं वो 36 नहीं है। जो कंडीशन आपको ऑलरेडी गिवन होती है ना, आप उसको फॉलो करते हो और उतना ही ऑब्जर्व करते हो, तो दोनों डाइसेस शो डिफरेंट नंबर्स, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स 30 36, जो सेम वाले थे वो माइनस हो गया, ठीक है। अब इन 30 में से आप वो देखोगे जहां पर आपको चाहिए समेशन इज इक्वल टू 8, तो ये 4-4 वाला पॉसिबल नहीं है, यानी पॉसिबल है जस्ट 1, 2, 3, 4, 4 फेवरेबल आउटकम्स। तो इसका आंसर हो गया 4/30। थर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, समेशन इज इक्वल टू 8, ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, मतलब अभी आपको ऑल 36 आउटकम्स काउंट नहीं करने, जस्ट वो आउटकम्स काउंट करने जिसके अंदर समेशन कितना आ रहा है, एट 8। लाइक 1708 तो पॉसिबल नहीं, 77 भी पॉसिबल नहीं है, डाइसेस पे 7 नहीं होता है। 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3 और 6, 2, इनमें से वो जिसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है आपको, डाइसेस शो डिफरेंट नंबर्स, कितने नंबर्स हैं वो, कितने आउटकम्स हैं, फोर फोर तो इसका आंसर होता है फाइव 4/5, करेक्ट है। एक ऑलरेडी फॉर्मूला भी है यहाँ पे, लाइक पी ए अपॉन बी, बेस्ट ये रहता है कि आप कंडीशंस डिफाइन कर दो, ए जो न्यूमरेटर में है वो जिसका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, ऑफ विच वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, एंड बी जो डिनोमिनेटर वाला है यहाँ पर जो कंडीशन आपको ऑलरेडी गिवन होती है, पी ए अपॉन बी, या फिर इसको ऐसा भी लिख देते हैं कई बार, पी ए और ऐसे ऑब्लिक और फिर बी, सेम ही है, एंड दिस इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। लाइक दिस क्वेश्चन, टू डाइसेस थ्रोन, फर्स्ट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन इज इक्वल टू 8 इफ बोथ डाइसेस शो डिफरेंट नंबर्स। सो जो कंडीशन ऑलरेडी गिवन है वो है बी, डाइसेस शो डिफरेंट नंबर, जिसका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है वो है ए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है समेशन इज इक्वल टू 8 का। तो ये क्वेश्चन बन गया अभी, पी ए अपॉन बी, दिस इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, डिफरेंट नंबर शो करना, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 30/36, 36 डिफरेंट नंबर के साथ में, इंटरसेक्शन का मतलब एज वेल एज, यानी कि दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए, तो डिफरेंट नंबर्स भी हैं और समेशन 8 भी है, ऐसे कितने केसेस है, 4 4/36, 36 36 कैंसिल, आंसर इज 30 4/30। इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो, टोटल आउटकम्स जो उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं और उनके अंदर फेवरेबल आउटकम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी बोथ डाइसेस शो डिफरेंट नंबर्स इफ समेशन इज इक्वल टू 8, तो समेशन इज इक्वल टू 8 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 5/36, 36 समेशन इज इक्वल टू 8 के साथ में, इंटरसेक्शन मतलब साथ में, यानी कि एंड एज वेल एज बोथ डाइसेस शो डिफरेंट नंबर्स, तो ये केस बनेंगे 4/36, फाइनल आंसर इज 4/5। फिर ये क्वेश्चंस वगैरह ये सब हो गए थे, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को बोला था, क्या आंसर है इसका बोलो। नाइन 2 by 5 14/50, अ डिवाइजर इज रैंडमली सिलेक्टेड इफ दिस डिवाइजर इज डिविजिबल बाय 3,
ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन हो गया ना डिविजिबल बाई थ्री इफ गिवन दैट या सच दैट. सो जो कंडीशन ऑलरेडी गिवन है उसको आप लिखो बी, जो फाइंड करना है दैट इज ए, देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिवाइजर टू बी डिविजिबल डिविजिबल बाय 12 और 12 एंड 15. 12 एंड 15 का मतलब हो गया दोनों का एलसीएम विल बी 16. ओके, बी जो कंडीशन गिवन था दैट इज डिविजिबल बाय 3. फाइनल आंसर पी ए इंटरसेक्शन, सॉरी क्वेश्चन है दिस पी ए अपॉन बी, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी. पी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये कि वो 60 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. और ये वेल अंडरस्टूड है, जो नंबर 60 से डिविजिबल होते हैं 100% वो 3 से डिविजिबल. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी इसको आप लिखोगे लाइक दिस 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2, फिर 3 और फिर 4, ऐसे ही 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3 और 3, 4, फिर 5, 0 और 5, 1 और 5, 2, 7, 0 और 7, 1, 11, 0 और 11, 1. ठीक है, PB का मतलब हो गया डिविजिबल बाई 3. तो डिविजिबल बाई 3 का मतलब ये कि 3 कंपल्सरीली यूज करना है, सो दिस को रिमूव करोगे. अभी रिमेनिंग कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5. 1, 2, 3, 4. इनटू 1, 2, 3, 1, 2 और 1, 2. करेक्ट? हाँ. ठीक है. साथ में PA इंटरसेक्शन B, यानी कि डिविजिबल बाई 60. 60 को फैक्टराइज करते हैं, सो 60 इज 2, 3 एंड 1 एंड 5. 2, 2, 3 एंड 1, 5, 1. ओके. यानी 2 मिनिमम रिक्वायर्ड है, 2 स्क्वायर. तो ये दोनों रिमूव करो. यहाँ पे कितने नंबर्स है बोलो अभी? 3. Into 3 to the power minimum required है 1, remaining numbers 4. 5 भी remaining, sorry, minimum 1, कितने numbers? 2. 2 और फिर 2 और फिर final answer 2 by 5. 2 upon 5, correct. Any doubt? No, sir. तो ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है दिस इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है? इसका मतलब देखो, बेसिकली वो इंडिपेंडेंट होते हैं ना. इसका आइडेंटिफिकेशन ये होता है, बताता हूँ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, वो तुम्हें समझ में आएगा अपने आप से. तो इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अच्छा, इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. यानी इंटरसेक्शन कितना आना चाहिए? जीरो. तो ऐसा नहीं होता इंडिपेंडेंट के अंदर. ठीक है, ऐसा नहीं है. इसको आप डायग्राम से अज्यूम नहीं कर सकते, डायग्राम से विजुलाइज नहीं कर पाओगे. कंडीशन है दिस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इनटू पी बी, ऐसा निकल के आ जाता है. Then A and B are independent events. Okay, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना. If A and B are independent events, ये वाइस वर्सा हो गया, मतलब PA intersection B is equal to PA into PB, तो ये भी independent है, तो PA intersection B is equal to PA into PB. If A and B are independent events, और सपोज को आप कैलकुलेट करते हो दिस पी ए अपॉन बी, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी हैपनिंग. अंडरस्टूड? ओके. यानी यहां पे सैंपल स्पेस वगैरह हो जाता है कम, और ये फॉर्मूला होता है दिस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. सपोज करो ए और बी है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इनटू पीबी. पीबी और अपॉन में था पीबी, पीबी पीबी कैंसिल, आंसर इज पीए. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, यानी फाइंड आउट द सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि ऑलरेडी गिवन है आपको बी, वो डायरेक्ट किसके इक्वल आ गया? जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. यानी बी की जो कंडीशन आपको गिवन थी उसका कोई इफेक्ट हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं. हाँ, इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स.
मतलब अब इसको बोलते हैं फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अंडरस्टूड? तो एक चीज ध्यान रखना, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसमें बी का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, डायरेक्ट आंसर किसके इक्वल आता है? ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ये भी डायरेक्ट किसके इक्वल आएगा बोलो? पीबी. पीबी. एक पॉइंट सपोज करो थ्री इवेंट्स हैं ए बी एंड सी. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी. एक्चुअल में क्या होता है, जस्ट इतनी कंडीशन सफिशिएंट नहीं होती है, आपको इंडिविजुअल पेयर्स भी चेक करने होते हैं. जैसे ए बी सी, इनके म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने के लिए दिस पेयर और दिस पेयर, ये तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने चाहिए. ये कंफर्म है, दिस पेयर दिस पेयर दिस पेयर, ये तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, मतलब सेपरेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं बोलना चाहिए मेरे को, सेपरेटेड है. तो इसका मतलब ये तीनों भी सेपरेटेड है. ओके, लेकिन यहाँ पे आप चेक कर रहे हो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो थ्री इवेंट्स हैं, तो ये तीन वाला पेयर भी चेक करोगे. फिर जितने टू टू के पेयर्स बनते हैं ए बी ए सी और बी सी, तीनों कंडीशंस भी चेक करने होते हैं. पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी सी एंड पी बी इंटू पी सी. सपोज करो ये फिट हो गया, ये फिट हो गया, ये फिट हो गया, लेकिन ये फिट नहीं हो रहा है. इसका मतलब ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ओके. बी एंड सी इंडिपेंडेंट, ये भी ओके. ए एंड सी इंडिपेंडेंट, ये भी ओके. बट ए बी सी इंडिपेंडेंट, ये नॉट ओके. हाँ, समझ गए. जबकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के अंदर ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, बी और सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, सी और ए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो ए बी सी अपने आप से क्या हो जाते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव. यहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ता है. ये फोर कंडीशंस हो गए ना, कंडीशंस भी बोल सकते हो, रिजल्ट भी बोल सकते हो. मतलब दिस स्टेटमेंट है तो उसके लिए कंडीशंस भी हैं, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो ये रिजल्ट के जैसे यूज कर सकते हो. ओके, एक पॉइंट और. सपोज करो टोटल एन इवेंट्स हैं, कितने एन इवेंट्स, देन या फोर एन इवेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट. टू बी, एक काम करते हैं इसको इस तरीके से करते हैं. टू बी, फर्स्ट क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाउ मेनी कंडीशंस वी हैव टू चेक? एनसी टू कंडीशंस. कंडीशंस का मतलब बेसिकली वो एनसी टू पेयर्स बन गए ना, वी हैव टू चेक. बट फोर इंडिपेंडेंट, How many conditions we have to check? क्या लगता है बोलो? जितने भी टू टू के पेयर्स बनते हैं वो सब चेक करोगे, थ्री थ्री के जितने पेयर्स बनते हैं वो सब चेक करोगे, फोर फोर के पेयर्स भी चेक करोगे, और एक इनका जो सबका एक पेयर बन रहा होगा वो भी चेक करोगे. और इसका आंसर कितना आएगा बोलो? एनसी जीरो से स्टार्ट करते हैं तो कितना होता है? पावर एन. एनसी जीरो मिसिंग है और एनसी वन मिसिंग है. एनसी जीरो होता है वन, एनसी वन इज एन. तो बेसिकली आपको कितने कंडीशन चेक करने होते हैं? जैसे थ्री होता है, थ्री इवेंट्स, टू टू द पावर थ्री एट माइनस वन माइनस थ्री, कितना हो गया नंबर? फोर. आपको फोर कंडीशन चेक करने पड़ते हैं, वही ये फोर कंडीशन है. क्लियर? इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अच्छा, एक पॉइंट और इससे पहले ना, लाइक ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट,
मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इनटू पीबी. तो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट ही आता है. ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी ये भी इंडिपेंडेंट आता है. ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट आता है. मतलब थ्री इवेंट्स होते हैं ए बी सी, तो कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा दो, दो पे लगा दो, तीन पे लगा दो, कितने पे भी लगा दो, सब इंडिपेंडेंट निकल के आते हैं. ये इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट. दिस इंडिपेंडेंट इसका मीनिंग क्या है? पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, दिस किसके इक्वल आ रहा होगा बोलो? ए बार इनटू पी बी बार. पी बी बार ये भी अपने आप से किसके इक्वल आएगा? पी ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए बार इनटू पी बी. पी बी ऐसे ही दिस भी किसके इक्वल आने वाला है? पी ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू पी ए इनटू पी बी. इनमें से कोई भी एक प्रूफ करके देख लेते हैं, कौन सा प्रूफ करना है बोलो? फर्स्ट कर लेते हैं. तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, रिजल्ट है दिस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इनटू पी. अब प्रूफ करना है दिस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार is equal to PA bar into PB bar. ये कल बताया था, यहां से बार कॉमन और साइन चेंज, यानी PA union B का भी कॉम्प्लीमेंट, और ये इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन यूनियन बी. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ This is one minus probability of B. Basically दोनों को simplify कर रहे हैं, फिर देखते हैं left और right same आता है, different आता है. Multiply करो तो ये हो गया one minus PA और minus PB plus PA into PB. इसको open करते हैं तो two events के लिए PA union B क्या होता है बोलो? PA plus PB minus PA intersection B. अपन आगे नेगेटिव साइन है तो ये हो गया दिस, माइनस वाला क्या बनेगा बोलो? प्लस. प्लस और ये खुद किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये दोनों पोर्शन सेम या इक्वल. ये ऑप्शंस में आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है. कहीं भी तुम्हें दिखता है ए बी सी इंडिपेंडेंट तो ए बार बी बार सी बार इंडिपेंडेंट आता है. ए बी बार सी भी चेक करोगे तो वो भी इंडिपेंडेंट आते हैं, या फिर कोई भी कुछ भी चेक करो, मतलब ये भी चेक करते हो तो वो भी इंडिपेंडेंट आता है. या जब ए इंडिपेंडेंट है ना तो उसका बार भी फिर इंडिपेंडेंट ही होगा, ये है कहने का मतलब. ट्राई करते हैं दिस क्वेश्चन. Four tickets numbered 112, 121, 211, and 222 are kept in a box. PI is the probability that ith digit from left is 1. Then option A, B, C, D. अच्छा, maximum P कितना possible है? P1, P2 या P3 या P4? PI का मतलब यह है कि लेफ्ट से ith डिजिट 1 होना चाहिए, जैसे P1, यानी लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट शुड बी 1. कितना प्रोबेबिलिटी है? 3. 2/4 हो गया ना. हाँ. एक टिकट ये रहा जिसमें लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट बनेगी. सेकंड क्यों देख रहे हो? लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट देखना है 4P1,
तो वो दो टिकट्स में है, पी टू यानी लेफ्ट से सेकेंड डिजिट टू सॉरी वन, लेफ्ट से सेकेंड डिजिट वन, कितना प्रोबेबिलिटी आएगा बोलो? अगेन टू अपॉन फोर यानी वन अपॉन टू। पी थ्री का मतलब लेफ्ट से थर्ड डिजिट वन, कितना प्रोबेबिलिटी है? करेक्ट, टू अपॉन फोर यानी कि वन अपॉन टू। लेफ्ट से फोर्थ डिजिट पॉसिबल ही नहीं है, मतलब यहाँ पे जस्ट पी वन पी टू पी थ्री है। ओके, इसको थोड़ा स्टेटमेंट को रिफाइन करना पड़ेगा। इवेंट ई आई हैविंग प्रोबेबिलिटी दैट, हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। So event EI having probability that ith digit from left is 1, then option A, E1 and E2 are independent, option B, E2 and E3 are independent, option C, E1 and E3 are independent, option D, E1, E2, E3 are independent. ट्राई करो दिस क्वेश्चन। Probability of E1, left से first digit 1, so left से first digit 1 है this ticket में और this ticket, total tickets थे 4, favorable tickets हैं 2, probability is 2 upon 4. Probability of E2, left से second digit 1, this also, probability of E3, left से third digit 1, अगेन 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 यानी लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट भी 1, सेकंड डिजिट इज आल्सो 1, कितने टिकट्स ऐसे हैं? 1। प्रोबेबिलिटी 1/4। E2 इंटरसेक्शन E3 यानी लेफ्ट से सेकंड और थर्ड दोनों डिजिट 1, कितने टिकट्स हैं ऐसे बोलो? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 यानी कि फर्स्ट और थर्ड डिजिट टू 1, ये भी टिकट है 1/4। एक इन तीनों का इंटरसेक्शन ही देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 यानी लेफ्ट से फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों डिजिट 1, है कोई टिकट ऐसा बोलो? नहीं। प्रोबेबिलिटी जीरो। ऑप्शन ए, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। करेक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दिस के इक्वल है। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन डी नो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बी एंड सी। कुछ भी नहीं होता, लिटरली काफी इजी है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक्स वाई जेड थ्रू अ डाइस इन द गिवन ऑर्डर. गिवन ऑर्डर का मतलब है स्टार्टिंग विद एक्स, फिर वाई थ्रो करने वाला है, फिर जेड थ्रो करने वाला है. ओके पर्सन विथ फर्स्ट लेट्स से ऑड प्राइम नंबर गेटिंग फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर विल विन द गेम. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी of winning of first question x, second question y का probability game को win करने का, and third question z का probability game को win करने का. Basically क्या तीनों इसी order में और dice को throw कर रहे हैं. जिसका first odd prime number आता है ना तो वो winner है game का. नहीं आता है किसी का तो ये game continuously चलता रहेगा. सपोज करो स्टार्टिंग में ये आ गया लेट्स से 2, ये आ गया 4, ये आ गया 6, तो अभी किसी का भी ऑड प्राइम नंबर नहीं आ रहा है ना, तो ये दोबारा गेम स्टार्ट होगा. लेट्स से x का आ जाता है अभी 3, तो ये हो गया ऑड प्राइम नंबर, मतलब गेम स्टॉप, ये विन हो गया अभी x. ये क्वेश्चन ये 1/3 हाँ एक्सप्लेन करोगे एक बार. मतलब ऑड प्राइम नंबर्स 3 और 5 है ना, और x का फर्स्ट चांस है, तो अगर उसको फर्स्ट चांस में उन दोनों में से कोई आएगा और टोटल पॉसिबिलिटी 6 है तो फिर 2/6 तो 1/3. नहीं लेकिन सपोज करो फर्स्ट बार में नहीं आया है तो हो सकता है ना फर्स्ट बार में भी नहीं आया, फिर वाई ने थ्रो किया उसका भी नहीं आया, जेड ने थ्रो किया उसका भी नहीं आया, फिर एक गेम सेकंड राउंड में आएगा, हो सकता है सेकंड राउंड में भी किसी का ना आए. जैसे वो एक गेम खेलते थे हम लोग, लूडो गेम खेलते थे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता था कि स्टार्टिंग जिसका 6 आता है वो फिर एंट्री करता है गेम में, किसी का भी 6 नहीं आता है तो वो चलता रहता है गेम जब तक 6 नहीं आए. तो बस वैसा ही है. सपोज करो स्टार्टिंग फर्स्ट राउंड में ही एक्स विन होता है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसका? 2/6. गेम स्टॉप, वाई और जेड का नंबर ही नहीं आएगा. ठीक है तो ये तो हो गया फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग. मान लेते हैं गेम सेकंड राउंड तक जाता है, यानी कि फर्स्ट राउंड में स्टार्टिंग में एक्स ने थ्रो किया होगा और उसका ऑड प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा बोलो? 4/6. एक पॉइंट और ऑड प्राइम नंबर, जस्ट एक पॉइंट और ऑड प्राइम नंबर जस्ट 3 और 5 होते हैं डाइस के अंदर. प्राइम नंबर 2 भी होता है लेकिन ऑड प्राइम की बात चल रही है. ठीक है वाई का भी क्या आना चाहिए? 4/6. जेड इज आल्सो 4/6. ये हो गया फर्स्ट राउंड कंप्लीट. अब गेम आएगा सेकंड राउंड में और फिर एक्स का क्या आ जाना चाहिए? 2/6. ये क्लियर? मान लेते हैं गेम, मानते हैं गेम थर्ड राउंड तक जाता है, तो थर्ड राउंड डायरेक्ट नहीं आता है, थर्ड राउंड में पहले फर्स्ट आता है फिर सेकंड आता है फिर गेम थर्ड राउंड में जाता है. तो फर्स्ट राउंड में तीनों का आना चाहिए 4/6, पावर कितना हो गया बोलो? 3. सेकंड राउंड फिर से आना चाहिए 4/6. 4/6 का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑड प्राइम नंबर नहीं है वो, लाइक 1 हो गया और 2 हो गया, 4 या 6. दिस ऑल्सो पावर 3. फर्स्ट राउंड कंप्लीट, सेकेंड राउंड कंप्लीट, थर्ड राउंड का स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग में ही x का आ गया क्या? 2/6. ऐसे ये कितने राउंड तक जा सकता है बोलो? इनफाइनाइट टर्म्स. तो तुम्हें दिख रहा होगा ये है बेसिकली 2/6 + 2/6 4. इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं ना,
1/3 2/3 क्यूब 1/3 2/3 पावर 6 एंड सो ऑन. हाँ, इनफाइनाइट टर्म्स. और ये है क्लियरली इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और इसका आंसर होता है a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो इज 8/27. ये हो गया 1/3 27. 27 माइनस 8 इज 19. आंसर है 9/9. अब y फाइंड करो. करो ट्राई. लेट्स से फर्स्ट राउंड में ही वाई बिना रहे, लेकिन स्टार्टिंग एक्स से हो रहा है, कंफर्म है. तो एक्स का आना चाहिए, बोलो कितना? 4/6. 4/6. देन वाई 2/6. लेट्स से सेकंड राउंड में जाके ये होता है ना, तो 4/6 सबका क्यूब, फिर एक्स आएगा उसका भी 4/6, फिर वाई आएगा उसका 2/6. ये सेकेंड राउंड में बिन हो गया. थर्ड राउंड की बात करते हैं. फर्स्ट राउंड कंप्लीट, सेकेंड राउंड भी कंप्लीट. थर्ड राउंड x से स्टार्टिंग है, बट x का होना चाहिए 4/6, देन y, और उसका होना चाहिए क्या? 2/6. इसको करो सिंपलीफाई, तो ये हो गया 2/3 1/3 प्लस 2/3 पावर 4 1/3 2/3 पावर 6 7 1/3 एंड सो ऑन. अगेन इसका आंसर भी ये अगेन इनफिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन रेशियो 2/3 का होल क्यूब. इसका आंसर होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. सो 2/9 इनटू 27/19 आंसर इज 6/19. लास्ट जेड फाइंड. फर्स्ट राउंड 4/6, 4/6, देन 2/6. सेकेंड राउंड यानी फर्स्ट राउंड कंप्लीट दिस, फिर सेकेंड राउंड, और ये विन हो गया, एंड सो ऑन. सो दिस इज 2/3 का स्क्वायर 1/3. दिस इज 2/3 पावर 1/3. अगेन इनफिनिट प्रोग्रेशन. समेशन होता है इसका फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. सो दिस इज 4/27, 27 और 19. यानी आंसर इज 4/19. तो देखो जो गेम स्टार्ट करता है ना उसका सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है एक्चुअल, और वही हो रहा है 9/19. फिर इसका प्रोबेबिलिटी और कम है 6/19. इसका प्रोबेबिलिटी और कम है 4/19. तो सब लोग चाहते हैं कि फर्स्ट बार में उसका नंबर आना चाहिए, तो वहीं पे गेम एंड कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, दिस गिवन है 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट, दिस गिवन है 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन E2, दिस गिवन है 1/4. या फिर एक काम करते हैं, इसको 1/8 करते हैं. देन ऑप्शन ए, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट. ऑप्शन बी, E1 एंड E2 बार आर इंडिपेंडेंट.
ऑप्शन सी ई1 बार एंड ई2 आर इंडिपेंडेंट, ऑप्शन डी ई1 एंड ई2 आर डिपेंडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा या तो डी या फिर क्या आंसर आएगा एबीसी एबीसी करेक्ट सर डी करें डी। इंडिपेंडेंट नहीं आ रहे लोग, जैसे ये इक्वल होता है दिस पी ई1 इंटरसेक्शन ई2 अपॉन P2. ये गिवन है कितना? अच्छा इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है ना वैसे भी यार, क्योंकि इंडिपेंडेंट यदि होता E1. हाँ इंडिपेंडेंट होता तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल होगा? P1 के इक्वल होगा, तो वो तो है नहीं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये 1/4 है, हालांकि अभी भी दिख रहा है ना दोनों इक्वल ही है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ही। ऑप्शन एबीसी E2 का कोई इफेक्ट नहीं होता E1 के ऊपर। बेस्ट है, काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया तुम लोगों। तो ये 1/4 था, फिर भी कैलकुलेट करना चाहें तो PE2 है 1/2, ये हो गया E1 इंटरसेक्शन E2, और फिर आप फाइंड करते हो PE1 इंटरसेक्शन E2, देन दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/8, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आंसर है ए बी एंड सी करेक्ट। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ये है स्विच 1, ये है स्विच 2, दिस इज स्विच 1, स्विच 2। स्विच 1 इसका वर्क करने का प्रोबेबिलिटी है 0.9 और S2 इसको वर्क करने का प्रोबेबिलिटी है 0.8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the circuit should work, ये question। Switch 1 इसका work करने का probability है 90%, मतलब 90% chances है कि ये switch work करेगा, मतलब बहुत branded company के नहीं है जिनका 100% surety हो हम लोगों को। तो इसका 90% श्योरिटी है वर्क करने का, 10% श्योरिटी है कि लास्ट मोमेंट पे फेल हो जाएगा, इसका 80% प्रोबेबिलिटी है। अभी क्वेश्चन ये कि सर्किट वर्क करना चाहिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बोलो। या फर्स्ट क्वेश्चन में केसेस क्या बनने चाहिए ये बताओ। एक सिंगल सिंगल और बाद में बोथ। हाँ मतलब हो सकता है S1 वर्क कर रहा हो, S1 का वर्क करने का प्रोबेबिलिटी 0.9, लेकिन उस टाइम पे ये भी फिक्स है कि S2 वर्क नहीं करना चाहिए 0.2, S1 नॉट वर्किंग बट S2 वर्किंग 0.8, लास्ट में दोनों वर्किंग 0.9 × 0.8। और ये आ गया कितना 0.18, 0.08, 0.7, यानी 0.98। इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना, 1 माइनस क्या नॉट वर्किंग, और ये सर्किट वर्क कब नहीं करेगा बोलो।
बोथ नॉट वर्किंग, कोई भी वर्क करता है तो इसका आंसर आएगा आपका, है ना. सो बोथ नॉट वर्किंग 0.1 × 0.2 1 − 0.02 आंसर इज 0.98. एक पॉइंट और. काफी सारे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करते हैं, कोई इश्यू नहीं है करो, लेकिन ये 0.2 मल्टीप्लाई करना मत बोलना. ऐसा नहीं कि जस्ट 0.9 लिखा प्लस 0.8 प्लस दिस इनटू दिस, ऐसा नहीं है. केस को हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट बना रहे हैं, ये वर्क कर रहा है मतलब ये नहीं कर रहा है, ओके. फिर ये वर्क कर रहा है उस टाइम पे, ये नहीं कर रहा है, और थर्ड केस में दोनों वर्क नहीं कर, दोनों वर्क कर रहा है. या फिर ऐसा कर सकते हो 1 − कोई वर्क नहीं कर रहा है. तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. दोनों केसेस में आंसर है सेम, मतलब दोनों मेथड में आंसर सेम है. सेकंड बोलो, सेकंड का विदिन वाला ही ना जाएगा आंसर. 1 − 0.72. हाँ, सेकंड में ये कि दोनों स्विच वर्क करना चाहिए, यानी 0.9 × 0.8 आंसर इज 0.7 करेक्ट. हाँ ओके. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल प्रोबेबिलिटी. ये बोर्ड्स में भी आता है आप लोगों के, इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल है. नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. ऐसा कोई बहुत बड़ा थ्योरम नहीं है ना, लेकिन जब आप उसको बुक्स वगैरह में देखते हो ना, तो लिटरली बहुत बड़ा थ्योरम लगता है. काफी सारे डायग्राम वाइग्राम भी बने होते हैं इसके अंदर. तो ट्राई करता हूँ मैं तुम लोगों को थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से बताने का. देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में होता क्या है ना, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं. जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, ये है कंटेनर वन या बैग वन भी बोल सकते हो. दिस इज बैग टू एंड दिस इज बैग थ्री. इस बैग में है लेट्स से 3 black balls, 4 white balls. यहाँ पे है 4 black balls, 6 white balls. यहाँ पे लेट्स से 2 black balls, 8 white balls. ओके, दिस इज बैग ए, दिस इज बैग बी, दिस इज बैग सी. इस बैग को पिक करने का प्रोबेबिलिटी है 0.2. इस बैग को पिक करने का प्रोबेबिलिटी है 0.4. और इस बैग को पिक करने का प्रोबेबिलिटी लेट्स से ले लेते हैं 0.4. बैग पिक करने का प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी बात है. सपोज करो आप सोके उठे, ठीक है, मॉर्निंग में या फिर दोपहर को सोते हो, जब भी सोते हो, ठीक है, सोके उठ गए कहने का मतलब ये. सपोज करो पानी पीना है, तो एक ग्लास जस्ट आपके बेड के बगल में है, एक ग्लास किचन में है, और एक केसेस में आपके घर में पानी नहीं है, किसी नेबर के यहाँ पे जाना पड़ रहा है, ठीक है. तो किस ग्लास को पिक करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा? फर्स्ट. ऑब्वियसली बात है, जो आपके जस्ट पास में है ना, उसको पिक करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा. उससे कम इसका होगा और उससे कम इसका होगा. खैर, ये तो फिर व्यक्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है ना. हो सकता है किसी को घर में जाके, किसी के घर में जाके पानी पीने गया, तो होता है उसके लिए ये इजी लगे. तो मैं जनरल सिनेरियो मान के चल रहा हूँ कि आपके पास जो इजीली चीज अवेलेबल है उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. तो लेट से बैग वन, इसको पिक करने का प्रोबेबिलिटी है 0.2. बैग बी, इसको पिक करने का प्रोबेबिलिटी है 0.4. लेट से बैग सी, इसको पिक करने का प्रोबेबिलिटी, एक काम करते हैं इसको 0.3 बोल देते हैं, इसको 0.5 बोल देते हैं. सपोज करो ये आपको गिवन नहीं होता है, तो फिर तीनों का प्रोबेबिलिटी कितना कंसिडर करोगे? 1/3. अभी तो मैंने क्या ही डायरेक्ट बोल दिया आपको 0.2, 0.3, 0.5, वरना ये ऐसे भी हो सकता था कि कौन सा बैग पिक करना है. इसको भी सपोज करो आप डाइस को थ्रो करके सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे ऑड प्राइम नंबर आ गया तो मैं बॉक्स ए पिक करूंगा, तो इसका मतलब बॉक्स ए को पिक करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 2/6. ऑड प्राइम नंबर आता है तो सपोज करो इवन नंबर आता है तो आप बॉक्स बी सेलेक्ट करोगे, कितना प्रोबेबिलिटी हो गया? 1/3, 1/2.
मतलब जो भी है वो आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तुम लोगों में, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ 0.2 0.3 0.5 से। ये उन बॉक्स को पिक करने का प्रोबेबिलिटी है, उन बॉक्स के अंदर से बॉल सेलेक्ट करना वो अलग चीज है। ओके अब क्वेश्चन है दिस, अ बॉक्स इज रेंडमली सिलेक्टेड एंड अ बॉल, या फिर टू बॉल्स कर लेते हैं, टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन सेम कलर, सेकेंड क्वेश्चन डिफरेंट कलर, क्योंकि दो ही बॉल पिक कर रहे हो तो सेम और डिफरेंट यही पॉसिबिलिटीज है। थ्री बॉल्स पिक करते तो हो सकता था टू सेम कलर वन डिफरेंट कलर, ऐसा कुछ बनता। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर भी प्रोबेबिलिटी, और डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस इन सबको आप कर देते हो एड, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बाकी इसके अंदर कोई और स्पेशलिटी नहीं होती है, अंडरस्टूड? तो बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स देखने को मिलते हैं, और उन बॉक्स का सिलेक्शन की भी कोई प्रोबेबिलिटी होती है, या तो वो प्रोबेबिलिटी आपको डैड बोल देते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ये गिवन नहीं होता, कुछ स्टेटमेंट भी नहीं होता तो फिर आप कंसिडर करते वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री, कुछ स्टेटमेंट गिवन होता तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, देन वन लाइन इसका आंसर आता है, ठीक है। सो फाइनल आंसर, सपोज करो आप बॉक्स ए के पास जाते हो, बॉक्स ए को पिक करने का प्रोबेबिलिटी क्या है पहले तो ये बताओ। पॉइंट टू बॉक्स ए पिक हो गया, बॉक्स ए के अंदर आ गए, ठीक है। दो बॉल पिक करनी है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें सेम कलर का होना चाहिए, सो आइदर आप पिक करोगे ब्लैक बॉल्स या फिर पिक करोगे क्या, व्हाइट बॉल्स। थ्री ब्लैक बॉल में से टू बॉल्स पिक करने का प्रोबेबिलिटी 3c2, फोर व्हाइट फोर टू पिक करने का प्रोबेबिलिटी 4c2, ये क्लियर हो रहा होगा, मल्टीप्लाई नहीं करोगे यार, है ना। आइदर ब्लैक और व्हाइट अपॉन में क्या आना चाहिए, टोटल 7c2, टोटल 7 बॉल्स थे, उनमें से कोई भी रैंडम दो बॉल पिक कर लो, अंडरस्टूड, फेवरेबल अपॉन टोटल। सपोज करो बॉक्स बी पे आता है, बी को पिक करने का प्रोबेबिलिटी 0.3, ब्लैक बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी 2, 4c2, 6c2 अपॉन टोटल 10c2। बॉक्स सी पे आता है, प्रोबेबिलिटी है 0.5 इनटू, ये मैं मल्टीप्लाई चलो ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2c2 प्लस 8c2 अपॉन 10c2, सो विद इन वन लाइन ही इसका आंसर आता है 10c2। इस क्वेश्चन में सपोज करो ऐसा भी होता, इफ बोथ बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स b2 या गिवन दैट या सच दैट, तो इस टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो कंडीशन, यानी वो मिक्सचर हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी का और कंडीशन का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और उसको हम लोग बोल देते हैं बेस थ्योरम। क्या बोल देते हैं बेस थ्योरम, वो इसके नेक्स्ट टॉपिक है, काफी स्टूडेंट्स उसे डरते रहते हैं लेकिन डरना नहीं होता उसमें, बहुत सिंपल होता है वो। इन सब के स्टेटमेंट और थ्योरम्स पे जाओगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेट दिखते हैं क्वेश्चन, लेकिन इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके डिफरेंट कलर्स, 0.2 इनटू डिफरेंट कलर, मतलब एक ब्लैक आना चाहिए एक व्हाइट आना चाहिए, क्या लिखोगे बोलो, 3c1 and 4c2 minus 3c1 into 4c1 upon 7c2, 0.3 into 4c1 into 6c1, 0.5 into 2c1 into 8c1 upon 10c2, ये इसका आंसर।
सर डाउट हाँ बोलो बीच में मल्टीप्लाई हो गया एडिशन कहाँ पे यहाँ पे 3C1 into 4C1 के बीच में बेटा तुम दोनों काम एक साथ करते हो ना तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं जैसे तुम्हें एक ब्लैक बॉल भी पिक करना है साइमल्टेनियसली एक वाइट भी पिक करना है हो सकता है B1 W1 B1 W2 समझ गए ना लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आइदर तुम दोनों ब्लैक बॉल पिक करोगे या फिर दोनों वाइट बॉल सो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आइदर ब्लैक और वाइट और वर्ड यूज हो रहा है सेकंड में ब्लैक वन एंड वाइट वन या फिर और क्या लगता है और या एंड 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 तो जब दोनों एक्टिविटी साथ करनी होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी एक चॉइस करना होता है तो ऐड करते हो क्लियर हाँ सर ठीक है इतना ही होता है टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर और कोई स्पेशलिटी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बॉक्स B1, B2, B3 B1 के अंदर है 4 4J एंड 6V 4J का मीनिंग है 4 जेस कॉइंस एंड 6V का मीनिंग है यहाँ पे 6V रूस कॉइंस ये तुम लोगों ने देखा होगा है शोले पिक्चर में क्या स्पेशलिटी है दोनों कॉइंस में बताओ या किसी कॉइन में स्पेशलिटी तो वो बताओ सेम ही उसका होता है हाँ वो सेम ही होता है किसमें होता है जय या वीरू किसमें होता है जय किसमें हाँ इसमें दोनों साइड हेड ही होता है बेसिकली और ये बिल्कुल नॉर्मल कॉइन होता है इसका ठीक है यानी यहाँ पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 इस केस में 100% चांसेस है ऑलवेज क्या आने वाला है हेड यानी हेड आने का प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली 1 एंड टेल आने का प्रोबेबिलिटी 0 हां तो ये स्पेशलिटी है क्वेश्चन है दिस This is box 1, this is box 2, box 3. यहाँ पर है 4J, 6V. Box 2 के अंदर है, let's say 7J और 4V ले लेते हैं. Box 3 के अंदर 3J and 5V. Next line. Probability of this is box 1, box 2, box 3. ये क्वेश्चंस देखने में बड़े लगते हैं बाकी क्वेश्चन सिंपल होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स BI इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I यानी B1 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है K/1 B2 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है K/2 और B3 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है K/3 इफ वन ऑफ देम इज चूजन एंड अ कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम इट मतलब किसी को सेलेक्ट कर रहे हो फिर उससे कॉइन ड्रॉ कर रहे हो बेसिकली A coin is drawn from it and tossed. इसको और आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को. Find the probability of getting hit. ये क्वेश्चन.
तो पहले तो बॉक्सेस को पिक करने का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. P of 1 is equal to k upon 1. P of 2 is equal to k upon 2. P of 3 is equal to k upon 3. इनका एडिशन कितना आना चाहिए बोलो? 1. हाँ, कोई तो बॉक्स सेलेक्ट करना है यहाँ पर, है ना? तो इसका एडिशन विल बी 5. ओके. LCM 6, 6 plus 3 plus 2, yani 11K, 6 plus 3 plus 2, correct. K is equal to 6 upon 11, yani box 1, इसको select करने का probability, उसके अंदर नहीं जा रहे भी है ना, box 1 को select करने का probability है 6 upon 11, box B2 को select करने का probability है 3 upon 11, and box B3 को select करने का probability है 2 upon 11. सपोज करो ये रहा होता प्रोपोर्शनल टू, तो फिर के टू के थ्री के इनके एडिशन वन फाइंड करते हैं. आगे तुम लोग करो ट्राई, करो सॉल्व, करो फाइनल आंसर होता क्या आता है. Six upon 11 into बोलो 4c1 one into one plus c six c1 4c1 का मतलब ये हो गया कि तुमने जे क्वाइन ये पिक किया है, उसका टॉस भी करना है. ओके, सो 4c1 into one करेक्ट है. हाँ बोलो क्या 4c1 plus आएगा ना? नहीं, 4c1 into 1 plus करूंगा ना आगे. भाई जे के कॉइन का प्रोबेबिलिटी हेड आने का वो तो 1 है ना, वो तो मल्टीप्लाई करोगे ना into 1. हाँ. Plus सपोज करो वीटूस कॉइन सेलेक्ट करते हैं, एक ही कॉइन करना है, plus 6c1 into 1 by 2 upon में क्या करना चाहिए? अपॉन 10 सी में लिखेंगे, एक काम करते हैं ना, इसको इंडिविजुअल पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं. सपोज करो आप जस्ट जे का कॉइन सेलेक्ट करते हो, जे का कॉइन सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है बोलो? 4 सी वन अपॉन 10 सी वन. हाँ, 4 सी वन अपॉन 10 सी वन. और फिर इसका हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है बोलो? 1 1. सपोज करो वीरस कॉइन सेलेक्ट करते हो, 6c1 अपॉन 10 c1, और इसका हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1 by 2. सेकंड बॉक्स पे आते हैं, सेकंड बॉक्स का प्रोबेबिलिटी है 3 अपॉन 11 इनटू जे का कॉइन सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 7c1 अपॉन
और इसके अकॉर्डिंग हेड आने का प्रोबेबिलिटी वन वन वीरूस कॉइन 4c1 अपॉन 11c1 इसके अकॉर्डिंग हेड आने का प्रोबेबिलिटी वन बाय बॉक्स 3 2 अपॉन 11 इनटू दिस के अकॉर्डिंग अच्छा पहले सिलेक्शन कर लेते हैं ना 3c1 अपॉन 7c8c1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1 5c1 अपॉन 8c1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1 ये इसका फाइनल आंसर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको ना एक पॉइंट और टेल 1 आंसर कितना आता है हेड यानी 4c1 का आंसर है 4 nc1 कितना होता है बोलो इसको कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा यार बताओ कोई डाउट है तो बोलो नहीं एक पॉइंट और देखो क्या होता है जैसे सपोज करो एक बॉक्स है ठीक है लेट्स से यहां पे 3 ब्लैक बॉल्स हैं और सारे सेम बॉल्स हैं 4 व्हाइट बॉल्स हैं और व्हाइट बॉल सारे आपस में सेम है आइडेंटिकल है मतलब व्हाइट बॉल्स में कोई डिफरेंस नहीं है सब आइडेंटिकल है मेरे को आप ये बताओ नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे नंबर ऑफ मेथड्स की बात कर रहे नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग 1 ब्लैक बॉल कितना आंसर आएगा जस्ट वन मेथड भाई कोई भी ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर लू तीनों सेम ही है ना हाँ. जैसे इस तरीके से क्वेश्चंस करवाए थे परमुटेशंस के अंदर फिर से बोल देता हूँ आज रिवाइज रिवीजन कर लेना ठीक है नेक्स्ट है दिस CCDD CCD और E और एक ये सिनेरियो है A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे लेटर्स डिफरेंट हैं इनमें से आपको सपोज करो सिलेक्ट करने हैं 3 कितने मेथड्स होंगे 8C3 ठीक है यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट सेम ही हैं लाइक टोटल है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से आपको 3 सिलेक्ट करना होता तो 13C3 नहीं होता है जैसे ए बी सी है इसमें से आपको एक ही सिलेक्ट करना है आइदर यू विल सिलेक्ट ए और यू विल सिलेक्ट बी और यू विल सिलेक्ट सी कितने मेथड्स हो गए 3 लेकिन सपोज करो ये तीनों सेम ही है तो एक को सिलेक्ट करते हो तो भी वही है ये सिलेक्ट करते हो तो भी वही है ये सिलेक्ट करते हो तो भी वही है अभी कितने मेथड्स हैं 1 तो जब कुछ ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो सिलेक्शन कम हो जाता है ओके तो यहाँ पे क्या सिलेक्शन के लिए हम लोगों को केसेस बनाने होते हैं जैसे सपोज करो आपको सिलेक्शन करना होता 3 ऑब्जेक्ट्स का तो केसेस बनाओगे लाइक 3 सेम ये भी पॉसिबल है 2 सेम और 1 डिफरेंट या फिर ये पॉसिबल है ऑल 3 डिफरेंट अभी यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 वैरायटीज अवेलेबल है ए बी सी डी और ई लाइक 5 काउंटर्स तो जैसे इसकी बात करते हैं 3 डिफरेंट इसका मतलब तुम्हें इन 5 काउंटर्स में से कितने काउंटर सेलेक्ट करने हैं 3 काउंटर्स और हर किसी काउंटर से एक पिक कर लो यहां से ए पिक कर लो उधर से बी पिक कर लो और यहां से ई पिक कर लो तो इसका आंसर कितना आएगा बोलो 5c 3 सेम कितने काउंटर्स आपको 3 सेम ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल करवाएंगे यहां पे बोलो 2 काउंटर्स लेकिन रिक्वायरमेंट कितने काउंटर का है 1 या दोनों काउंटर 1 कोई भी एक काउंटर 2c1 आइदर दिस इसका मतलब मैंने यहां से पिक किया ए ए ए आइदर दिस यानी यहां से पिक किया मैंने ट्रिपल बी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 2 सेम 1 डिफरेंट ओके तो कितने काउंटर्स ऐसे हैं जो आपको 2 सेम ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल करवाएंगे बोलो 3 और उनमें से कितने काउंटर पिक करोगे 1 जैसे ये पिक किया इसका मतलब यहां से मैंने पिक किया है ए ए ओके रिमेनिंग कितने काउंटर्स हैं
और उनमें से कोई भी एक काउंटर पिक कर लो और वहां से एक ऑब्जेक्ट पिक कर लो, समझ गए? हाँ नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग वन ब्लैक बॉल, तीनों ब्लैक बॉल सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे तीनों सपोज करो साइज डिफरेंट होते हैं सबके लेकिन है तीनों ब्लैक, तो दिखता है ना यार तुमने ये सिलेक्ट किया है या फिर ये किया है या फिर ये किया है, लेकिन अभी तीनों एग्जैक्ट सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो तुम ये सिलेक्ट करते हो या फिर ये करते हो या फिर ये करते हो, कोई चेंज नहीं है, तो कितने मेथड्स हो गए बोलो? ठीक है, नंबर ऑफ सेलेक्टिंग वन बॉल, कलर का नहीं पता कुछ भी, ये कितने मेथड्स हैं? टू टू, आइदर ब्लैक और व्हाइट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक बॉल क्या आंसर आएगा बोलो? हाफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, इसको 93 करते हैं, इसको 7 करते हैं। अभी वन ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के कितने चांसेस हैं? वन, एक बॉल सेलेक्ट करने के कितने चांसेस हैं? मेथड से टू, आइदर ब्लैक और Right. Probability of selecting black ball क्या हो गया? इसके प्लेस पे ये क्वेश्चन होता। Ninety-three black balls. All different. सेवन व्हाइट बॉल्स, ये भी ऑल डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब साइज वगैरह डिफरेंट हो सकता है इनका, ब्लैक में भी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं ऐसे, तो नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक बॉल कितने आंसर आएंगे बोलो, कितने मेथड्स होंगे? 93 करेक्ट है, यानी कि 93 मेथड्स। नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग वन बॉल ये कितने मेथड्स है बोलो? वन, 100 से 100 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन ब्लैक बॉल कितना आंसर है? 93/100 परसेंटेज वाइज कितना हो गया? 93%। ओके, देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे प्रोबेबिलिटी का जो मीनिंग होता है ना वो चांसेस से होता है, कि कितने परसेंट चांसेस हैं। ओके, सपोज करो इसके अंदर लेट्स से आप ऐसे रैंडम चले गए, मतलब आंखों पे पट्टी वगैरह बांध गए, तो क्या लगता है तुम्हें कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप रैंडम कोई बॉल पिक करते हो तो तुम्हें ब्लैक बॉल मिलेगा? जनरल बस सोच के बताओ ऐसे। 50% चांसेस है क्या व्हाइट बॉल्स के? नहीं भाई, सपोज करो इसके अंदर 99 ब्लैक बॉल्स हैं और जस्ट वन ही व्हाइट बॉल है, और आप ऐसे रैंडम अंधेरे में चले गए ना, इस रूम में बिल्कुल लाइट नहीं है, तो क्या लगता है कितने परसेंट चांसेस हैं कि तुम्हें ब्लैक बॉल ही मिलने वाला है? 99। जब हर तरफ ही ब्लैक बॉल्स बिखरे हुए हैं तो तुम्हें 50% चांसेस कैसे हो जाएंगे उसके, समझ रहे हो ना? हाँ। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ना, मेथड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेथड्स, ये फेल हो जाता है यहाँ पे, ध्यान रखना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा? 1/2। 50% नहीं है यार, बहुत सारी बॉल्स हैं ब्लैक, बहुत सारे ब्लैक बॉल्स हैं,
तो ब्लैक बॉल को ही पिक करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है फेवरेबल अपॉन टोटल, ये हो जाता है फेल। कंक्लूजन ये है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर चाहे ऑब्जेक्ट सेम भी हो तब भी आप इसको क्या कंसीडर करते हो, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कितना आएगा बोलो, 93c1/100 यानी कि 93%। तो ये क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, तो सेम है एक ब्लैक बॉल पिक करने का नंबर ऑफ मेथड से 1, एक बॉल पिक करने के नंबर ऑफ मेथड से 2, बट प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं है। तो कंक्लूजन है दिस ओनली, इन प्रोबेबिलिटी सेम ऑब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट। अंडरस्टूड? हाँ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी तुम्हें सेम दिखता है तो उसको डिफरेंट कंसीडर करके ही सॉल्व करोगे यदि वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी रिलेटेड है तो। हाँ, नंबर ऑफ मेथड्स वगैरह रिलेटेड है तब तो फिर वो सेम ही कंसीडर करना है। इसमें कोई डाउट नहीं सर? ठीक है, एक क्वेश्चन वो करते हैं, फिर आता है वेस्ट टर्म, वो नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, बाकी यार वो 5 मिनट्स में हो जाता है सब कुछ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, दिस इज वॉलेट 1, वॉलेट 2, यहां पे है 1 रुपी के 5 कॉइंस एंड 5 रुपीज के 2 कॉइंस। वॉलेट 2, यहां पे 1 रुपीज के लेट से 6 कॉइंस एंड 5 रुपीज के 3 कॉइंस। Okay, now question is this. If 1 coin is drawn from W1 and placed in W2, मतलब यहां से आपने रेंडम कोई भी कॉइन पिक किया और उसको रख दिया बॉक्स या वॉलेट 2. Now, one coin is drawn from wallet 2, then find the probability that this coin is of 5 rupees. ये क्वेश्चन, ये सब टोटल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस कहे जाते हैं ना, जिसमें प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी आता है। अभी बॉक्स 2 में कॉइन पिक करना, वो बॉक्स 1 पे डिपेंड करेगा कि बॉक्स 1 से क्या पिक किया था आपने। सो इफ 1 coin इज ड्रॉन फ्रॉम W1 एंड इन प्लेस W2, देन आप बॉक्स कॉइन पिक कर रहे हो W2 से और इस कॉइन का आना चाहिए 5 rupees। कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? पहले वो इसका निकालेंगे ना, मतलब W1 से कॉइन ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी। हाँ बोलो।
5c1 + 2c1 यानी तुमने 1 रुपए का कॉइन पिक किया है प्लस एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट बनाते हैं ना इफ टू पॉइंट्स अभी तो इजी था ये 5c1 काफी जल्दी हो रहा था अब बोलो 5c1 × 2c1 1 rupee and 1 5 rupee okay upon 7c2 नहीं यार ये तो काफी जल्दी कर दिया हम लोगों ने क्योंकि आप कॉइन निकाल के इसमें रख भी रहे हो ना फिर उससे प्रोबेबिलिटी भी निकाल रहे हो ठीक से बोलो सपोज करो यहां से पिक करते हैं 5c2 अपॉन 10 अपॉन 7c2 यानी दोनों कॉइंस है ऑफ 1 and 1 ओके तो ये 1 1 के कॉइन निकाल के रखे यहां पे तो यहां पे अभी 1 रुपी से कितने कॉइंस हो गए 8 एंड 5 रुपीस के 3 अब इससे कॉइन पिक कर रहे हैं और उस कॉइन का प्रोबेबिलिटी वो कॉइन आना चाहिए कितना 5 रुपीस इनटू कितना करोगे बोलो 3c1 upon 11c1 जी आंसर प्लस हो सकता है दोनों मैंने 5 की चूज किए थे स्टार्टिंग में सो स्टार्टिंग विद 2c2 upon 7c2 ये दोनों 5 फ्रेम के निकाल के यहां पे तो यहां पे 5 5 के कितने पॉइंट्स हो गए अभी 5 करेक्ट है और टोटल कॉइंस 11 सो दिस इज 5c1 upon 11c करेक्ट है सपोज करो आप एक 1 रुपी का कॉइन पिक करते हो और एक 5 रुपी का कॉइन पिक करते हो ये क्या आने वाला है बोलो 5c1 × 2c1 upon 7c2 Into ये 1 और 5 के निकाल के यहां पे 5 रुपीस के कितने पॉइंट्स हो गए 7c1 क्या बोल रहे हो 7c2 आएगा ना 2 पॉइंट्स 4c1 upon 11c1 तो अभी यहां पे 5 रुपीस के हो गए 4 पॉइंट्स सो 4c1 upon 11 बताओ कोई डाउट है तो बोलो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन नहीं सर चलो एक कंसेप्ट बता देता हूँ बाकी क्वेश्चंस वगैरह नेक्स्ट टाइम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर क्या वेस्ट थ्योरम और लिटरली कुछ भी नहीं है ये दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी आपको एक कंडीशन गिवन होता है कई सारे जार वगैरह गिवन होते हैं या बॉक्स वगैरह गिवन होता है और प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी चलता है लाइक क्वेश्चन है दिस अगेन इनके स्टेटमेंट्स वगैरह पे जाओगे थ्योरम्स पे जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट दिखती है ना उनका कोई यूज भी नहीं है तो क्वेश्चन समझने का ट्राई करो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर लाइक क्वेश्चन है दिस
दिस इज बॉक्स वन, बॉक्स टू एंड बॉक्स थ्री. बॉक्स वन के अंदर है सेवन व्हाइट, फोर ब्लैक बॉल्स. बॉक्स टू में है फाइव व्हाइट, सिक्स ब्लैक बॉल्स. एंड बॉक्स थ्री, थ्री व्हाइट एंड सिक्स ब्लैक बॉल्स. Selecting box VI is proportional to I square. If one box is selected, one box is selected and two walls are drawn from it, then find the probability. या फिर एक काम करते हैं, इसी में कंडीशन. If both balls are of same color, are of same color. बस ये आपको कंडीशन गिवन हो गया ना, इफ यूज हो गया, इफ या गिवन दैट या सच दैट. सो इफ बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स बी टू वॉज सेलेक्टेड, या फिर बॉल्स वर ड्रॉन from box B2. ये क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले तो ये बोलो. एक तो इस क्वेश्चन के अंदर बॉक्स को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी गिवन है, फिर ये बोल रहा है कि कोई भी आपने एक बॉक्स लिया, वहां से निकाले दो बॉल्स, कंडीशन ऑलरेडी ये गिवन है कि वो दोनों बॉल आर ऑफ सेम कलर, और फिर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स बी टू. अगेन काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, तुम जस्ट इवेंट ए और बी डिफाइन कर दो. इवेंट ए जिसका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, इवेंट बी जो कंडीशन आपको गिवन है. दिस इज गिवन कंडीशन, दिस इज जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. और ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर दो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी सेलेक्टिंग बॉक्स बी टू. ओके एंड बी, बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम, बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर. इस क्वेश्चन को थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा, दैट the balls are drawn from B2. So basically this is balls are drawn from B2. A question hai this, probability of A upon B, और ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ओके, तो जस्ट आपको दोनों फाइंड करने हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का ऐसे कोई रिलेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज जस्ट कि दोनों बॉल्स होने चाहिए ऑफ सेम कलर. सेम कलर, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है सेम कलर बी, और साथ में वो कहां से पिक होना चाहिए, बी टू से. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. पहले तो इन बॉक्स के प्रोबेबिलिटी बताओ यार ना. B1 को पिक करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया बोलो, K. B2 को पिक करने का प्रोबेबिलिटी 4K. B3 को पिक करने का प्रोबेबिलिटी 9K. इन सब का एडिशन 1, यानी कि 14K is equal to 1, K is equal to 1 upon 14. So basically box 1 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1 upon 14, B2 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हो गया 4 upon 14 and B3 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हो गया 9 upon 14. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब जस्ट इतना है कि दोनों बॉल्स आर ऑफ
सेम कलर. सपोज करो बॉक्स बी वन पिक करते हैं, पहले तो बी वन को पिक करने का प्रोबेबिलिटी वन अपॉन 14. और यहां से दोनों बॉल सेम कलर, क्या लिखोगे बोलो? सेवन सी टू प्लस फोर सी टू अपॉन 11 सी सेवन सी टू प्लस फोर सी टू अपॉन 11 सी टू. नाउ बॉक्स बी, बॉक्स बी इज 4 अपॉन 14 इनटू सेम कलर 5 सी टू प्लस 6 सी टू अपॉन 11 सी टू. बॉक्स थ्री पिक करने का प्रोबेबिलिटी 9 अपॉन 14 सेम कलर 3 सी टू प्लस 6 सी टू अपॉन 9 सी टू. और अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सेम कलर के बॉल्स, और वो भी कहां से? बॉक्स बी से, बी टू यानी ये वाला पोर्शन 4 अपॉन 14 इनटू 5 सी टू प्लस 6 सी टू अपॉन 11 सी टू. लेट्स से दिस है अल्फा और ये पूरा है, या फिर एक काम करते हैं, दिस पोर्शन को बोल देते हैं ए, दिस पोर्शन को बोल देते हैं बी, दिस पोर्शन को बोल देते हैं क्या सी. फाइनल आंसर बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है बेस. ठीक है, आज इतना ही करते हैं. तुम लोगों का भी 3:30 पे वर्ड्स का लेक्चर भी है, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. ठीक है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट टर्म पे बाकी हो जाएगा पूरा. इसमें एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड भी चीजें आती हैं, वो इजी होती हैं, टफ नहीं होती, और बेस थ्योरम वगैरह बहुत इजी है. इसमें भी नेक्स्ट टर्म पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें पूरा, टेंशन मत लो उसका. ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे. कोई डाउट वगैरह है तो मेरे को बोल देना, सेंटर पे भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, ओके बेटे, चलो ओके बाय.